साल 2018 अगर आप बल्लेबाजी के नजरिए से देखें तो विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा के नाम रहा, लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजी के नजरिए से देखें तो सबसे ऊपर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। 48 विकेट उन्होंने लिए, सबसे ऊपर है उस पायदान पर विकेट के लिहाज से। और अगर तेज गेंदबाजों को देखें आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो दूसरा पायदान उनको मिलता है, सिर्फ कगिसो रबाडा के पीछे है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो जसप्रीत बुमराह को इतना खास बनाती है? मेरे साथ हैं वीवीएस लक्ष्मण। पहला ही साल है उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, और इतना अच्छा प्रदर्शन, आपको क्या लगता है क्या है वो तीन खूबियां जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? देखिए, पहला जो उनकी ताकत है वो है उनकी मानसिकता और जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं, क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, दबाव बिल्कुल महसूस नहीं करते और रणनीति जब बनाते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि खुद की काबिलियत के ऊपर विश्वास जताते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है अगर आप सफल होना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। सो उनकी माइंडसेट उनकी पहली ताकत। दूसरा जो है कंसिस्टेंसी, नियंत्रण के साथ और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं और जब आप उनका पिच मैप देखते हैं अक्सर जो है आगे डालने की कोशिश करते हैं और खिलाने की कोशिश करते हैं तो लाइन एंड लेंथ सटीक होता है जसप्रीत बुमराह, और जितना ज़्यादा गेंद आप खिलाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास मौका है विकेट लेने के लिए। और तीसरी ताकत जो है विकल्प, मेरा मानना है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प है और T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट का जो फ़ायदा बुमराह उठाते वो लाजवाब है। तो विकल्प है उनके पास और विकल्प उनको पता है कि किस बल्लेबाज के खिलाफ कब इस्तेमाल करना है, कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना है उनको पता है और नियंत्रण के साथ वो विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी खूबी है और एक डेंजरस बॉलर है क्योंकि एक्शन भी उनका अलग है, कन्वेंशनल एक्शन नहीं है, अलग तरीके से बॉल को रिलीज़ करते हैं। लेकिन मानसिकता, उसके बाद जो अनुशासन और नियंत्रण दिखता है और विकल्प इनके पास जो है इनके लिए, इसी वजह से ये महान बॉलर है। आपने इन्हें फेस तो नहीं किया पर मैं यही जानना चाह रहा था कितना मुश्किल होता है किसी बल्लेबाज के लिए जो आप बता रहे हैं एकदम अलग एक्शन को फेस करना। आपने कई और ऐसे गेंदबाज शायद, जी हाँ, मलिंगा को मैंने खेला है तो मलिंगा मुश्किल होता है क्योंकि बतौर बैट्समैन आपको पता होता है कि बॉल के ऊपर जब आपका नज़र होता है आपको पता है कि कान से रिलीज होने वाला है, लेकिन मलिंगा मुश्किल, अलग एक्शन है तो एम्पायर के सामने से उनका राइट हैंड आता था, उधर से रिलीज करते थे तो वो अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते थे और जसप्रीत बुमराह भी अलग एक्शन से करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो सेटअप जो बल्लेबाज का होता है छोटे जब से कन्वेंशनल बॉलर्स के खिलाफ खेलते खेलते वो जो सेटअप बनता है ना बुमराह के खिलाफ, वो सेटअप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो ये इनकी ताकत भी है और इसी वजह से बल्लेबाज जो है ना मुश्किल का सामना करते हैं जब जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खेलते हैं। एक चीज और नजर आई है, अक्सर हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जो गेंदबाज सफल होते हैं वो लंबे फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं फिर आते हैं, ये IPL के रूट से आए हैं, ये आपको हैरानी हुई थी जब आपने देखा IPL में अच्छा कर रहे हैं लेकिन टेस्ट में ना कर पाए? नहीं, हैरानी तो नहीं हुई है, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर मुझे डाउट था वो है वर्कलोड, क्योंकि जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं तो आप सिर्फ 4 ओवर या 10 ओवर ही नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी आपको 25 ओवर 30 ओवर 40 ओवर भी करना पड़ता है। तो एक चीज़ जिसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट था फिटनेस, लेकिन फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिए और तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं और ऐसा भी लग रहा नहीं है कि थक रहे या इंजूर हो रहे टच हो रहे ना, तो ये अच्छा लग रहा है कि फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे। और जो इनकी ताकत है वाइड बॉल क्रिकेट, वो ही इनकी ताकत बन गई है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अक्सर आप वाइट बॉल क्रिकेट में यॉर्कर डालते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं, आप स्विंग भी कराते हैं और यही इनकी ताकत टेस्ट मैच क्रिकेट में भी बन गया, जिस तरह शॉन मार्श को आउट करा स्लोअर वन यॉर्कर डालते हुए, कितने गेंदबाज करते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में स्लोअर वन और वो भी यॉर्कर। तो जो इनका ताकत टेस्ट मैच क्रिकेट में नजर आ रहा है वही इनकी ताकत वनडे और T20 में हमेशा नजर आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया वीवीएस लक्ष्मण हमारे साथ बात करने के लिए। एक और बड़ी दिलचस्प चीज जो जसप्रीत बुमराह में नजर आती है वो है कि बस 4 या 5 कदम से दौड़ के आते हैं और फिर भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को डाल देते हैं, शायद उससे भी बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।